टॉपिक इज फॉल्ट्स इन निटिंग. व्हाट आर द फॉल्ट्स दैट कैन कम इन निटेड फैब्रिक. फर्स्ट इज वी टेक द मटेरियल. मटेरियल इज यार्न. हम जो मटेरियल लेते हैं सबसे शुरू में मटेरियल आता है एंड दैट इज यार्न और थ्रेड वी कॉल इट. एंड इट इज ऑन कॉन और चीज इन केस ऑफ वेफ्ट निटिंग. देन मैन कैरीज इट. सो सेकेंड डिफेक्ट फॉल्ट विल बी कैरीड आउट बाय मैन. एंड देन थर्ड विल बी इट इज टेकन ऑन अ मशीन दैट इज निटिंग मशीन. इट मे बी सर्कुलर और फ्लैट बेड. तो ऑन दीज टू निटिंग मशीन्स देर आर मेथड्स अप्लाइड. सो फर्स्ट इज मटेरियल और यार्न दैट इज फिक्स्ड बाय मैन ऑन मशीन एंड मेथड इज अप्लाइड. सो फॉल्ट्स कैन बी फ्रॉम द फर्स्ट इज मटेरियल दैट इज फॉल्ट इन द यार्न पैकेज. दीज कैन बी फॉल्ट्स इन द यार्न. दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स. नॉट मैनी फॉल्ट्स आर देयर बट जस्ट नॉर्मल फॉल्ट्स कैन बी देयर इन अ यार्न. व्हाट कैन बी द फॉल्ट्स इन अ यार्न. फर्स्ट इज इट कैन बी अनइवन सो दैट द सरफेस ऑफ द फैब्रिक कपड़े का सरफेस अजीब नजर आएगा अनइवन है तो. काउंट वेरीज. अनइवननेस एंड काउंट वेरिएशन एक जैसे ही है. इससे देखो क्लाउडी वेवी नजर आएगा. इसमें स्ट्रिप अगर काउंट वेरी कर गया ये काउंट चल गया मान लो 20 का यहां पर यहां चल गया वो 22 का तो ये दिखेगा आपको पतला ये दिखेगा मोटा. तो डार्क एंड लाइट स्ट्रिप विल अपीयर. ठीक है कोई कलर वाला फाइबर उसमें आ गया दूसरे कलर का तो वो नजर आएगा अलग से. फॉरेन मैटर इट मींस एनी वेस्ट पार्टिकल इज देयर दैट इज लेंट. स्लब. स्लब इज सॉर्ट ऑफ इन यार्न देयर आर एक्यूमुलेटेड थिक प्लेसेस विच आर ड्यू टू द सेटलमेंट ऑफ फाइबर्स विच आर फ्लाइंग. ये ऊपर उड़ते हुए कोई भी फाइबर ट्विस्ट लेते हुए इसके अंदर घुस गया तो ये बन जाएगा स्लब. थिक एंड थिन प्लेस. ठीक है लॉन्ग थिन एंड थिक प्लेस ये तो नजर आएंगे फैब्रिक के अंदर. ये फॉल्ट लाएंगे कहीं टूट जाएगा कहीं होल बन जाएगा कटिंग में प्रॉब्लम आएगी. ये सारे जो ये देखो क्लाउडी और वेवी अपीयरेंस. अनइवननेस में भी सेम चीज है तो ये इनडायरेक्टली सेम बात है. तो इफ वी से कि देर इज फॉल्ट इन यार्न सो देर इज फॉल्ट इन मटेरियल फर्स्ट देन व्हाट कैन बी द फॉल्ट्स इन यार्न. फॉल्ट्स कैन बी देर इज वेरिएशन और अनइवननेस एंड वेरिएशन और अनइवननेस कैन बी ऑफ थिन प्लेस थिक प्लेस. इट कैन बी शॉर्ट इट कैन बी लॉन्ग. देर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट एंड देन अदर देन वेस्ट इट कैन बी द स्लब एक्स्ट्रा मटीरियल और फ्लाई दैट सेटल्स ऑन दी यार्न. धागे के ऊपर जब ट्विस्ट कर रहे हैं तो उड़कर फ्लाई आ गई. देन देर कैन बी डिफरेंट कलर ऑफ फाइबर. सो दीज आर फ्यू ऑफ द यार्न फॉल्ट और मटीरियल फॉल्ट. फर्दर ये नजर आएंगे ट्विस्ट. ट्विस्ट इज अ मेजर फैक्टर इन केस ऑफ निटेड. ट्विस्ट इज लेस. ट्विस्ट इज इक्वल टू टी एम अंडर रूट काउंट. ये फॉर्मूला होता है. टी एम इन केस ऑफ निटिंग इज 3.8. इन केस ऑफ वीविंग इट इज 4 और मोर. तो जब टी एम ज्यादा होगा मान लो ये काउंट 25 है. 25 से क्या आ गया अंडर रूट 25 आ गया 3.8. तो ट्विस्ट आ गया 5 × 8 = 40 15 × 4 = 19 ट्विस्ट पर इंच. अगर ये वीविंग का धागा होता तो इसमें 20 या 21 ट्विस्ट पर इंच आते या इससे कम भी 18 भी आ सकते हैं 18.7 18.6. तो ट्विस्ट आर इन केस ऑफ निटिंग निटेड मटेरियल ट्विस्ट आर लेस. तो जब भी धागा भी बनाते हैं तो वी नो कि इट इज ऑफ होजरी और निटिंग और इट इज वूवन. तो अगर ज्यादा ट्विस्ट दे दिया तो ये सबसे पहले फैब्रिक हार्श हो जाएगा.
कपड़ा भी और फाइबर भी हार्श, फीलिंग में भी हार्श होगा, प्लस जो है उसको चलाएंगे और वो लूज होते ही अगर हाई ट्विस्ट है तो स्नर्ल काट बना देगा, इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि आप पतंग उड़ाते हो फिर इकट्ठा करते हो, उस धागे में ट्विस्ट ज्यादा होती है, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो वो इकट्ठा ऐसे ऐसे करके इकट्ठा हो जाता है धागा आपस में, दिस इज स्नर्लिंग। ठीक है, ये नीडल को भी तोड़ देगा ज्यादा हैवी होगा तो। बेसिकली ट्विस्ट ऑफ निटेड फैब्रिक और निटेड यार्न इज लेस, सो इट इज सॉफ्ट इन फील, ट्विस्ट इज लेस तो फ्लाई भी उड़ सकती है, थोड़ा बहुत फाइबर निकल जाएगा। देन फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइबर यार्न धागा जो चल रहा है वो मशीन के अंदर से गुजरेगा तो मशीन के कई पार्ट्स को टच करता है, ये हमने पहले भी देखा था। फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए वीविंग के अंदर हम जो है साइजिंग में आपस में धागे टच ना हो और जो है टच मशीन के भी जो टच होते हैं तो फ्रिक्शन ज्यादा ना हो, तो यहां फ्रिक्शन है यार्न का आपस में नहीं है, यार्न विद मशीन पार्ट्स। और क्योंकि ये फाइबर ये धागा सॉफ्ट है, कम ट्विस्टेड है, ये उसके रगड़ खाएगा तो इसमें से फ्लाई उड़ सकती है, इसलिए हमें क्या चाहिए, द फ्रिक्शन सरफेस जिसके भी ये टच होकेगा, बहुत हाई स्पीड से चल रहा है तो जहां जहां भी ये यार्न जाएगा, जहां जहां भी मशीन के अंदर टच होगा वहां वहां बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अब क्या है उसके बाद में, धागे का लुब्रिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसके ऊपर वैक्स वगैरह प्रॉपर लगा हो कि फाइबर ना निकले, ये इंपॉर्टेंट, दो प्रॉपर्टीज अलग से इंपॉर्टेंट है, ट्विस्ट और फ्रिक्शन। बाकी यार्न मिक्स ना हो, चलाना 20 का है उसके साथ 30 का आ गया, या यार्न बेकार ना हो या उसमें वेरिएशन ना हो, ये जर्नल फिर से यहां तक करो, और ये जो जर्नल है फिर से यार्न की प्रॉपर्टीज जर्नल आ गई, जैसे ये थी थिन थिक प्लेस था, क्या क्या प्रॉपर्टीज हुई, इवननेस या सीवी वेरिएशन हो गया, उसके बाद में जो है थिक थिन प्लेस, फिर उसके अंदर आ जाता है फॉरेन मटेरियल, इधर उधर का मटेरियल आ गया बाई चांस, और फिर इसके अंदर में आ गया कलर्ड फाइबर या दूसरा काउंट, अलग काउंट का आ गया या अलग मटेरियल आ गया, या ये सॉयल्ड, सॉयल्ड का मतलब है उसके ऊपर हाथ हूत लग गए ग्रीस के गंदे धब्बे, फिर पीरियोडिक वेरिएशन आ गए, पीरियोडिक वेरिएशन आते एक टाइम के बाद, तो कोई मान लो गियर टूटा हुआ तो एक टाइम के बाद वो गियर वापस आएगा तो उस जगह पर वो वेरिएशन आएगा। इसके अलावा जो वूवन फैब्रिक से वैसे अलग है वो है दो चीज, ट्विस्ट एंड फ्रिक्शन, ये अलग से मशीन के अंदर काम करेगा, ये जो है फाइबर के मटेरियल यार्न जो हो गया उसके फॉल्ट्स हैं। तो मेन फॉल्ट्स जो लिखने हैं तो इवननेस, थिक थिन प्लेस, ट्विस्ट, फ्रिक्शन और बैरेनेस। बैरेनेस है कि पूरे के ऊपर में बैंड नजर आना, थिक थिन प्लेस का कपड़ा लोगे तो अलग से नजर आएगा एक पट्टा, तो ये है बैरेनेस। ये पांच जरूरी हैं, बाकी भूल भी सकते हो। फिर इसको कैरी कौन करता है मटेरियल को, मशीन पर लगाता है तो वो है मैन, यानी कारीगर, मैन मीन्स लेबर। अब लेबर का वही प्रॉब्लम है जो ये प्रॉब्लम थी, डैमेज्ड और सॉइल्ड, कहीं हाथ खराब होंगे तो वो कहीं निशान लगा देगा, ऑयल मार्क्स। फिर ये दोबारा आ गया देखो, ठीक है बार आ गए, क्या है एक कोन लगा दिया, बीच में दूसरा, तीसरा, चौथा कोन, पांचवा कोन और क्वालिटी का यानी और काउंट का लगा दिया तो पट्टा अलग नजर आएगा। अब उसके लिए क्या है, ये ध्यान तो उसी को रखना पड़ेगा, स्टिच की कैम की स्टिचिंग की डिफरेंशिएट हो गई, ऑयल लाइन यानी जो भी मैन या लेबर कैरी कर रही है वर्कर, वो उसको साफ सुथरे ढंग से कैरी करे, फैब्रिक डर्टी कर दिया, यार्न सॉइल्ड आ गया, फिर से ये देखो सॉइल्ड यार्न, बैरीनेस
और ओएल मार्क्स, ये पहले वाले में से ही आ रहे हैं दोबारा से, और एक्स्ट्रा आ गया ये इंपॉर्टेंट, बैरेनेस के बाद में मोरे मार्क्स, ये मार्क्स नजर आने लग जाते हैं। ठीक है, ये पोर्शन है कि इनको रिमूव कैसे करना या केयर कैसे करनी। केयर यही है कि आप उसको साफ सुथरा रखोगे, निडल खराब ना हो, निडल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसी के अंदर चलता है, वो साफ हो, स्मूथ हो, हर पार्ट स्मूथ हो, ऐसे लिख देना कुछ भी। ठीक है, ये देखो यहां ये नजर आता है मोरे इफेक्ट, काउंट मिक्सअप वही आ गया वापस फिर से, बैरेनेस। तो ज्यादा से फॉल्ट नहीं है, मेन फॉल्ट इज अबाउट having dirty hand or carrying dirty material that is there, और ये count mix up यहीं आ गया, methodology छोड़ भी सकते हैं, अलग color का आ गया, ये color का पहले उसमें आ गया था आपके material में, ये कौन लाता है, labor ही उठाएगा, उसमें fly आ गई तो उसे पहले देखना है, ये तो ये method हो गए। तो जो भी फाइबर आप यूज कर रहे हो प्रॉपरली क्लीन्ड हो, और दूसरा फाइबर उसके अंदर ना घुसे, ब्लो रूम में, कार्डिंग में, ड्रॉ फ्रेम में, ऐसे कहीं से उड़, फ्लाई में उड़ के आ जाता है दूसरे कलर का तो नजर आएगा ये। यानी स्पिनिंग के अंदर ऐसा फॉल्ट होगा तो ये यार्न में आएगा और यार्न में वो नजर आएगा। ये सारे फॉल्ट थे कैरी करने के, यानी धागा बन गया कौन से कैरी करने के। फिर से देखो मशीन पे क्या फॉल्ट आता है, बैरिनेस, देखो सब में है बैरिनेस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार और रियल वेरिएशन, मे बी नैरो और वाइड हैंड्स, ये जो आपकी यूज कर रहे हो कैम, उसमें स्टिच कैम में डिफरेंस आ जाए तो ये नजर आएगा, कहीं तो वो जो है पट्टी ऐसे चलता है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है लूप, मान लो इसके बाद में इस पे जाकर स्टिच लेंथ वेरी कर गई, जब ये स्टिच लेंथ वेरी कर गई स्टिच के कैम की वजह से तो ये पट्टी अलग नजर आएगी, तो दिस इज कॉल्ड एज बैरिनेस। एक फॉल्ट ये इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास जो फॉल्ट आए हैं वो है मोरे इफेक्ट और अब आ रहा है लेडरिंग। लेडरिंग मीन्स, लेडर मीन्स सीडी, कहीं भी टूट जाएगा किसी निडल से या कोई भी फॉल्ट आ गया निडल में, तो वो फॉल्ट जहां वहां धागा यूज हो रहा है तो एक निडल, एक ही जो है विड्थ वर्टिकल निडल बनाती है वर्टिकल वाले लूप, तो उन वर्टिकल में सारा नजर आएगा जैसे सीडियों में नजर आ रहा है वो फॉल्ट, अगर वो कुछ भी फॉल्ट अगर निडल में है। तो वर्टिकल फॉल्ट बेसिकली रिलेट्स टू निडल, अगर कोई भी फॉल्ट हम वर्टिकल देखते हैं इट मींस वो निडल खराब होने से या निडल में फॉल्ट आने से है, और जो हॉरिजॉन्टल फॉल्ट है वो फॉल्ट आता है कैम की वजह से, अगर हॉरिजॉन्टल फॉल्ट है यूं यूं बन रहा है तो कैम का साइज ज्यादा और कम हो गया तो वो जाकर हॉरिजॉन्टल फॉल्ट में आएगा इस तरह से, जैसे अभी ये बात की थी बारे इफेक्ट, ये कैम का फॉल्ट है, लैडर इफेक्ट ये स्टिच का फॉल्ट है।